अच्छा भैया ये बताइए हमें, हाँ जो ये सोफा है हाँ कैसे पहचानेंगे कि सागवान की लकड़ी का है कि और कोई सा है? अच्छा, आपके कहने का मतलब है कैसे आपको भरोसा हो कि वो सागवान का है कि नहीं है। ये है ना, आइए आपका सोफा मैं दिखाता हूँ। आपने जो है इस सोफा को आपने ऑर्डर किया है, यही है ना आपका सोफा। हाँ तो देखिए, मैं हनुमान नहीं हूँ कि मैं चीर के दिखा दूँ कि ये सागवान ही है, लेकिन एक बात आपके आपको भरोसा देने के लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ कि ये सागवान ही है। अब तो आपको भरोसा हो जाएगा ना, मतलब कोई जो है पैसे के लिए बेटे का कसम तो नहीं खाएगा ना। तो मैं बेटे की कसम खा के कहता हूँ, अपनी रोजी रोटी की कसम खा के कहता हूँ कि ये सागवान ही है। दोस्तों, अगर इस तरह से भी कसम खा करके लोग आपसे फर्नीचर बेच रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रख करके ही फर्नीचर खरीदने आपको जाना है, क्योंकि वो कसम खा रहा है उसके बाद भी जो है आपके साथ वो ठगी कर सकता है और ठगी हो ही जाती है। मैंने देखा है अपने आंखों के सामने। जैसे दोस्तों मैंने आपको ये सोफ़ा दिखाया, ये सोफ़ा हो या फिर कोई भी सोफ़ा हो, चाहे ये ही हो, तो मैंने दिल्ली में देखा था दोस्तों कि दिल्ली में आज के 10 साल पहले जब मैं काम करता था, जिस फर्नीचर मार्केट में काम करता था, उस फर्नीचर मार्केट का सबसे बड़ा वो जो है फर्नीचर शोरूम था, वहाँ पर मैं काम करता था। वहाँ पे क्या करते थे, 2-3 सेलमैन थे, बहुत पुराने पुराने, तो वो जो है कमीशन बेस पे काम करते थे। मतलब उनकी सैलरी तो थी ही, वो सैलरी तो मिलती ही थी कंपनी से, लेकिन उसके बाद जो है कमीशन भी उनको मिलता था कि जितना आप सेल कर देंगे उसके हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो क्या होता था दोस्तों, उनके सगे संबंधी जो भी आते थे, तो सगे संबंधी जो जो है, हर किसी को जो है लकड़ी के और फर्नीचर का नॉलेज तो होता नहीं है, लेकिन हर घर में फर्नीचर चाहिए, तो वो जो है अगर कोई लोग पूछ देते थे कि कैसे हमें पता लगे कि ये सागवान ही है। तो दोस्तों, जैसे यहाँ हम लोग ज़्यादातर जो है नेचुरल पॉलिश करते हैं, लेकिन दिल्ली में नेचुरल बहुत कम होता है, कलरिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे, लाल पीले मतलब अलग अलग टाइप के कलरिंग ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पहचान नहीं हो पाता है। तो वो पूछते थे कि कैसे हमें भरोसा हो कि जो आप हमें सोफ़ा दे रहे हैं वो सागवान ही है। जैसे ये सोफ़ा है, हमने पूछ दिया कि कैसे हमें भरोसा हो कि सागवान ही है, तो वो कसम खा लिया करते थे हाथ रख करके कि ये मैं बेटे की या फिर रोजी रोटी की कसम खा कहता हूँ कि ये सागवान ही है, लेकिन वो सागवान नहीं होता था। ये मैं देखता था तो मैं कन्फ्यूज हो जाया करता था दोस्तों कि मतलब सागवान तो है नहीं, लेकिन ये कैसे कसम खा ले रहे हैं कि ये सागवान ही है, और वो जो है बड़ा खुशी से कस्टमर लेके भी चला जाता है। तो अपने उस्ताद से मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सागवान का सोफ़ा तो है नहीं लेकिन कसम खा रहे हैं कि सागवान का ही है। तो वो हमारे उस्ताद जी बताया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फ्रॉड करने के लिए ये सोफ़ा जो बनाते हैं, तो यहाँ का जो लकड़ी होता है ऊपर का और ये जो हैंडल होता है मेन, ये चीज़, ये दो चीज़ें जो है सागवान का लगा दिया करते थे, और बाकी जो है नीचे का जो है लकड़ी चेंज कर दिया करते थे, मतलब हल्की सस्ती लकड़ी लगा दिया करते थे, और ये सागवान लगा दिया करते थे। तो वो जो है कसम जब भी खाते थे तो इस और इस लकड़ी पे हाथ रख के कसम खाते थे कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये सागवान ही है। यहाँ हाथ रखेंगे या फिर यहाँ, यहाँ तो हाथ रखेंगे नहीं, उनको मालूम था कि सागवान ये और ये है, तो इन्हीं दोनों लकड़ी के ऊपर हाथ रख के कसम खाते थे और कस्टमर खुश होकर ले जाया करता था आराम से। तो ये फ्रॉड करने का तरीका था। वैसे आज के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता हो तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे आज के समय में तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप जो है बेसिक नॉलेज बढ़ा सकते हैं फर्नीचर के बारे में, फिर आप खरीदने जाएं तो पहचान सकते हैं। वैसे इस तरीके से मैंने फ्रॉड होते हुए देखा है, तो मेरे मन में चल रहा था 2-4 दिन से कि यार ये चीज़ बताना चाहिए कि अभी भी अगर ऐसा होता हो तो जो है आप जो है सतर्क हो जाएं। वो कसम खाते थे तो यही कसम खाते थे कि मैं कसम खाता हूँ ये सागवान का है, ये नहीं कहते थे पूरा सोफ़ा सागवान का है। तो जो है कस्टमर कन्फ्यूज हो जाता था और समझ नहीं पाता था और सागवान समझ के ले लेता था। तो मैंने सोचा कि ये जो है छोटी सी वीडियो बना करके आपको अवेयरनेस जो है फैलाई जाए।